तो आज की हमारी इस क्लास में हम बात कर रहे हैं सबसे पहले डेटा सॉर्टिंग के बारे में। जी सर, तो डेटा सॉर्टिंग है, चलिए इसके बारे में हम बात करते हैं। अब देखिए, डेटा सॉर्ट करते क्यों? बेसिकली डेटा को सॉर्ट करना होता है किसी सीक्वेंस में अरेंज करने के लिए। एग्जाम्पल कि मान लीजिए आपके आपके ऑफिस में कोई लिस्ट लगा हुआ, लिस्ट किसी नाम के अकॉर्डिंग, किसी डेटा के अकॉर्डिंग, किसी आईडी के अकॉर्डिंग सॉर्ट नहीं होगा, तो फिर आपको अपना नाम जब तक नहीं मिलता है तब तक पूरा लिस्ट देखना पड़ेगा ना शुरू से। जी सर। लेकिन अगर वो आपके नाम के अल्फाबेटिक से या रोल नंबर से, किसी एक नंबर से सॉर्टेड होगा, तो आप क्या करेंगे, वो पर्टिकुलर नंबर को लेंगे और देख लेंगे नंबर को क्या, लेंगे। जी सर। या नाम को देखेंगे और देख लेंगे। अब कुछ बात जी आती सर। है तो प्रिंट आउट निकलेगा, ऑफिस पर मैंने प्रिंट आउट का काम होता है कहाँ। तो अब मैं से मान लीजिए कि मैंने यहाँ पे टोटल का फॉर्मूला लगा दिया हुआ है, राइट। जी सर। अब टोटल का फॉर्मूला लगा दिया, मैं चाहता हूँ कि जो टॉप 5 टोटल्स है ना उसको उठाना। जी तो सर। सिंपल हम टोटल पे कर्सर रखेंगे और यहाँ ए टू जेड कर देंगे। ए टू जेड करते ही आप देखेंगे कि हाइएस्ट आ गया। अब यहां से मैं 5 को उठा लूंगा क्या। जी सर। तो किसी भी डेटा को अगर शॉर्ट करना है तो ध्यान रखिए कि आपके डेटा में कोई ब्लैंक रो नहीं होना चाहिए इस तरह से। ठीक है। ठीक अब ऐसा है। नहीं कि ब्लैंक रो है तो शॉर्ट नहीं होगा, ब्लैंक रो होने पे शॉर्ट होगा, लेकिन जो शॉर्ट होगा आपका जो ब्लैंक है उससे ऊपर ही होगा। अगर आप नीचे का सॉर्ट करना चाहते हैं तो डेटा को सिलेक्ट करना पड़ेगा। अगर डेटा जी सर। सिलेक्ट करते हैं तभी वो सॉर्ट कर पाएगा, जी सर। ठीक है। जी सर। बिना डेटा सिलेक्ट किए सॉर्ट नहीं करेंगे, आपको डेटा को सिलेक्ट करना पड़ेगा। रो एंड कॉलम ब्लैंक है तो नहीं है तो कोई बात नहीं। जी अब सर। मुझे किसी एक फील्ड के अकॉर्डिंग सॉर्ट करना है, मुझे नेम के अकॉर्डिंग सॉर्ट करना है, तो नेम पे कर्सर रखूंगा और यहीं पे सेट ए टू जेड या जेड टू ए, ए टू जेड या जेड टू ए, जैक टू। सॉर्ट हो राइट जाए, सर। समझ गया। जी सर। अब इसमें आगे बढ़ते हैं। अब आगे ऑप्शन आता है कि मुझे मान लीजिए अब जिसकी यहाँ पर रवि है, रवि शॉर्ट है, और रवि का सिटी देख रहे हैं ना मिक्सअप है। मैं चाहता हूँ कि पटना एक जगह हो जाए, दिल्ली एक जगह हो जाए, रायपुर एक जगह हो जाए, तो उस केस में हम जाएंगे शॉर्ट एंड फिल्टर में, कस्टम शॉर्ट पे कहाँ जाएंगे, शॉर्ट एंड फिल्टर के कस्टम शॉर्ट, कस्टम और शॉट। यहाँ से नेम है, फिर एड लेबल करेंगे और यहाँ पे सिटी को सिलेक्ट करेंगे एंड ओके। दिल्ली हो गया, पटना हो गया और रायपुर हो गया, इकट्ठा हो गया। तो कहने का मतलब कि पहला पूरी डेटा शॉर्ट आपकी इस तरह से इस पे हुआ, पहले पहले सेक्शन पे हुआ, फिर इसके अलग अलग सेक्शन के अलग अलग डेटा को शॉर्ट किया गया। जी सर। और जब भी शॉर्ट होगा तो पूरा रो एंड कॉलम ऊपर नीचे जाएगा, ना कि एक पर्टिकुलर तो डेटा, ठीक है। जी सर। जी सर। तो कस्टम सॉर्ट में होता है। अब मान लीजिए डेटा में मंथ है, मान लीजिए बगल में मैंने यहाँ पे मंथ दे दिया हुआ, जैन फेब जो होता है ना, जी जैन सर। फेब मैंने दे दिया, अब मुझे इस मंथ के अकॉर्डिंग सॉर्ट करना है। अगर इसको सॉर्ट जे टू जेड कर दिया, देखिए अप्रैल आ गया, अगस्त, दिसंबर, कैलेंडर ईयर के अकॉर्डिंग सॉर्ट नहीं ना हुआ, नहीं सर। उस केस में हम कस्टम सॉर्ट पे कस्टम शॉर्ट। मंथ है वह रखेंगे और यहाँ ए टू जेड की जगह पे क्या यूज करेंगे, कस्टम लिस्ट। कस्टम लिस्ट। और कस्टम लिस्ट में जो जैन फाइव है उसको सिलेक्ट करके ओके करेंगे और फिर ओके करेंगे डेटा हमारा। सर ये मैं भूल गया, ये कस्टम लिस्ट कहाँ से बनाते हैं अपन? कस्टम लिस्ट फाइल के अंदर, ऑप्शंस के अंदर, एडवांस के अंदर सबसे लास्ट में आएंगे तो एडिट कस्टम लिस्ट, ठीक है सर। जिसमें आपको संडे मंडे जैन फेब सब बना हुआ होता है। ठीक है। उसके अलावा आप न्यू लिस्ट में बना रखा, नाम बना रखा है, जी सर। ये चीज आप बना सकते हैं, ठीक है।
अब मान लीजिए मुझे अगर फाइनेंशियल ईयर के अकॉर्डिंग सॉर्ट करना हो तो कस्टम सॉर्ट पे कस्टम लिस्ट के अंदर जाएंगे, न्यू लिस्ट में जाएंगे और अपना सॉर्ट लिस्ट तैयार कर लेंगे। ठीक है, सर जैसे हमने तैयार किया और सिलेक्ट करिए ओके जी। तो आप खुद के लिस्ट जो बनाए हुए हैं उसके अकॉर्डिंग भी सॉर्ट कर सकते हैं और जो इनबिल्ड है उसके अकॉर्डिंग भी सॉर्ट कर सकते हैं, दोनों सॉर्ट कर तरीके में सकते आप सॉर्ट कर सकते हैं। ठीक है, हैं सर। क्लियर है? क्लियर है सर। अब इसमें आगे बढ़ते हैं। अब शॉर्ट जो है हमारा, मान लीजिए कलर वाइज शॉर्ट करना है कि मैंने जनवरी में कहीं कहीं पे कलर कर दिया हुआ है, अब जो कलर है वो चाहता हूं कि इकट्ठा हो, तो यहाँ शॉर्ट एंड फिल्टर के कस्टम शॉर्ट पे यहाँ हम जैन को रखें। और सेल वैल्यू दिख रहा है ना, तो सेल हाँ वैल्यू ठीक को हटा के हम करेंगे सेल कलर, है सर। और यहां पे हम करेंगे दिख रहा है आपको चुकला हाँ जी सर कलर, जो भी कलर है सब सिलेक्ट करो, सिलेक्ट जी कीजिए सर ऑन द टॉप या ऑन द बॉटम। उसी तरह से अगर आप कंडीशनल फॉर्मेटिंग का आइकन्स वगैरह से आइकन्स इस्तेमाल कर रखे हैं और मुझे जो सॉर्ट करना है वो आइकन वाइज कस्टम आइकन के अकॉर्डिंग सॉर्ट, सॉर्ट कस्टम शॉट इसके अंदर यहाँ पे फैब ले लेंगे कंडीशनल यहाँ पे सेल कलर का जो रहता है फॉर्मेटिंग कंडीशनल फॉर्मेटिंग आइकन। ठीक आइकन। है, अब इसमें आइकन सेलेक्ट कर लेंगे और यहाँ पे सेलेक्ट कर लीजिए ऑन द टॉप या ऑन द बॉटम। राइट, ठीक है सर। अब इसमें और भी होती है कभी कभी, जैसे जैन मान लीजिए कि मुझे मंथ वाइज शॉर्ट करना है, राइट, जी सर तो जैन का भी जो है आपका शॉर्ट है कैप्स में हो सकता है, स्मॉल में हो सकता है, तो मिक्सअप आएगा ना। जी सर लेकिन शॉर्ट करते समय यहाँ ऑप्शन होता है, ऑप्शन के अंदर में अगर मैंने केस सेंसिटिव पे क्लिक कर दिया तो क्या करेगा वो, आपका कस्टम सॉरी जो कैप्स में है उसको अलग रखेगा, जो स्मॉल में है उसको अलग। सर ठीक ठीक है, है सर अब मान लीजिए कि डेटा हमारा लेफ्ट टू राइट नहीं टॉप टू बॉटम है, तो टॉप टू बॉटम नहीं लेफ्ट टू राइट, जैसे नेम हो जी गया और सर यहाँ सेल्स हो गया, ठीक है। जी अब सर मैं इसको सिलेक्ट करता हूं और मुझे ऊपर से नीचे में लेफ्ट राइट सॉर्ट करना है, तो कस्टम सॉर्ट इसको सिलेक्ट करूंगा, यहाँ पे ऑप्शन पे जाके पहले सॉर्ट शॉर्ट लेफ्ट लेफ्ट टू राइट, रो टू के अगर मैं नंबर के अकॉर्डिंग चेंज करना है तो रो टू देन ओके हो गया। जी सर ये शॉर्ट थी, शॉर्ट के बाद बात करते हैं फिल्टर। फिल्टर मतलब कि मैं जो चाहूँ डेटा वही देखो, सारा डेटा ना देखो, तो इसको क्लिक करते हैं और यहीं पे हम मान लीजिए अजीत को सेलेक्ट कर दिए तो सिर्फ अजीत का दिखेगा, जिसका हम सेलेक्ट करेंगे उसी का दिखेगा बाकी का नहीं दिखेगा। समझ गए? जी सर जैसे यहाँ पे देव है कवि है यहाँ पे देखिए, लेकिन इसके अंदर जब टेक्स्ट पे जाएंगे तो यहाँ पे कंडीशंस है कि इक्वल डज नॉट इक्वल बिगेन विद, मतलब कोई नाम का पहले हो एंड विद लास्ट का हो, कंटेन नाम के बीच में हो, डज नॉट कंटेन मतलब नाम ना हो, ऐसी कंडीशंस लगा सकते हैं आप। ठीक है, जी सर और यहाँ भी सेम ऐसे ही आप जो है
जो है एक तो फिल्टर बाई कलर भी कर सकते हैं, कलर के अकॉर्डिंग फिल्टर कर लें। और यहाँ पे नंबर से इसके अलावा यहाँ पे नंबर फिल्टर है, इक्वल कोई पर्टिकुलर नंबर डज नॉट इक्वल किस कोई नंबर के अलावा, ग्रेटर देन लेस देन इक्वल टू टॉप बिटवीन है, टॉप 10 है, जब मुझे टॉप 5 को लेना है तो मैं फिल्टर करके भी टॉप 5 को ले सकता हूँ। टॉप 5 या बॉटम 5, ठीक है। अबव एवरेज किसी नंबर से ऊपर, बिलो एवरेज ऊपर से छोटा, यहां आप कर सकते हो, ठीक है सर। कस्टम फील्ड में आपको यहाँ पे सारे कंडीशन एक साथ मिल जाएगा, इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो फिल्टर समझ में आ गया सर, फिल्टर की खास है नहीं जी सर, आप कुछ ट्रिक्स, कुछ ट्रिक्स के बारे में बात कर सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए मुझे डेटा एक एक रो यहाँ पे ऐड करना है इस तरह से, तो मैनुअली करना मुश्किल होगा ना, जी तो सर। इसके लिए हमने क्या किया, बगल में सीरियल नंबर का एक कॉलम लिया, यहाँ पे 1 2 करके सिक्वेंस नंबर को दे दिया। अब इसी सिक्वेंस नंबर को मैं नीचे ले आता हूँ, यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। अब मैं नंबर शॉर्ट करूंगा, जैसे मैंने बताया आपको कि कभी भी जब शॉर्ट होता है तो वैल्यू सिंगल रो लेके नहीं आता, पूरा का पूरा कॉलम लेके आता, जब ये ऊपर जाएगा तो पूरा का पूरा कॉलम लेके जाएगा, यहाँ पे इस तरह से रो लेके जाएगा, तो एक ब्लैंक जी होगा, सर, डेटा होगा क्या सर। जी सर, राइट सर, सिलेक्ट किया कस्टम शॉर्ट सीरियल नंबर, यहाँ पे वैल्यू और स्मॉल एंड लार्जेस्ट, शॉर्ट हो गया। अब सीरियल नंबर को जी हटा सर, दीजिए। अब बात करते हैं कि अब मुझे फिल्टर करके जो ब्लैंक से रहा है ना, मैं ब्लैंक ऐड कर लिया, लेकिन आपके पास कभी कभी क्या होता है कि डेटा ऐड होता है उसमें बहुत सारे ब्लैंक कॉलम होते हैं ना, जी सर, जी मैं सर, चाहता हूँ कि ब्लैंक कॉलम जो है ना वो हट जाए। हट जाए, तो आप लोग क्या करते हैं फिल्टर करके डिलीट करते हैं ना, क्योंकि तो फिल्टर में हो सकता है पीछे का डेटा भी डिलीट होने का चांसेस होते हैं। मैं सर है ना, जनरली क्या है मेरा ऐसा ही कुछ एक फॉर्मेट है जिसके अंदर हम क्वांटिटी मतलब जो लॉजिस्टिक का काम करते हैं, कोई भी प्रोडक्ट इनका, तो हम क्या करते हैं ऐसे टाइम पे पूरे उसको सिलेक्ट करते हैं ऊपर से नीचे तक और सॉर्ट कर देते हैं। जी हाँ जी हाँ, जब मैं सॉर्ट किसी भी एक फील्ड के अकॉर्डिंग जब मैं इसको सॉर्ट करूंगा तो क्या होगा कि आपका ब्लैंक डिलीट नहीं होगा, मूव होगी और नीचे चला मूव जाएगा, हो जाए, नीचे चला जाएगा, राइट सर, इससे आपका टाइम भी कम लगता है, सॉर्टिंग जल्दी हो जाती है और डेटा और भी लॉस डेटा होने के डेटा चांसेस लॉस नहीं होता। नहीं होता। हाँ राइट सर, राइट। दूसरी चीज ये भी है, जैसे कि मैंने यहाँ पे 1 2 3 4 इस तरह से कुछ नंबर दे रखा है, होता है फिल्टर लगाते चाहे नॉर्मली हम हाइड कर देते, फिल्टर भी हाइड ही करता है ना सर। राइट सर, तो अब उस समय इस डेटा को हम सिलेक्ट करके कॉपी करके यहाँ पेस्ट करेंगे तो पूरा का पूरा डेटा पेस्ट होता है। राइट तो सर, उस केस में क्या करेंगे, यहाँ आपके सामने फाइनेंस सिलेक्ट है जिसमें आपके पास गो टू स्पेशल है। गो टू स्पेशल क्या करता है, सिलेक्शन में काम करता है, जैसे आप कॉन्स्टेंट सिलेक्ट करना है, सिर्फ नंबर सिलेक्ट करना है, ब्लैंक सिलेक्ट करना है, पेन रीजन सिलेक्ट करना है, लास्ट सेल, विजुअल सेल्स वगैरह, इसमें हमने विजुअल सेल्स कर दिया, तो सिलेक्टेड एरिया में जो सिर्फ विजुअल सेल्स है ना उसी को सिलेक्ट जी करेगा। सर, अब इसको कॉपी कीजिए और यहाँ पे पेस्ट कर दीजिए, पेस्ट कर दो, आपका वही डेटा पेस्ट हुआ जो डेटा विजुअल था। ओके, राइट सर, तो राइट सर, अभी जो है अभी मैंने आपका होम मेनू बार फ्रीज कर दिया, जी सर, होम मेनू बार आपका फिनिश हो फिनिश हो गया है। गया। तो आप एक बार करें होम मेनू बार के हर एक टॉपिक को अब दोबारा से देखें, कोई प्रॉब्लम होगी वो चीज समझ में ना आया हो तो मुझे कल की क्लास से पूछ ले, फिर हम पिवट टेबल की तरफ बढ़ेंगे, ठीक सॉरी है। तो कल जो होगा सर, होम मेनू बार का डाउट क्लियरेंस क्लास होगी और फिर मंडे से हम पिवट टेबल शुरू करेंगे, और ठीक है, सैटरडे संडे में आपको हम पिवट टेबल से रिलेटेड कुछ वीडियो रिकॉर्डिंग लेंगे देखने के लिए, ताकि आप उसको प्रिपेयर रहें, और फिर मंडे से हम पिवट टेबल शुरू करेंगे जी सर, और रियल एडवांस एक्सरसाइज समझिए कल से शुरू होगा।